हमारी मांगे हैं सिर्फ पुरानी पेंशन वापस कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापा का सहारा है। हमारे सभी स्टाफ का, जो रेल में, ट्रैक में, सब कर्मचारी जो जिस पोस्ट पर हैं वो काम कर रहे हैं, उनको बुढ़ापा में उनका बुढ़ापा का सहारा छीना जा रहा है। चक्का जाम होगा, सरकार को एक दिन झुकना और हम लोग झुका के रहेंगे। कर्मचारी हैं, ये तो हक ले के रहेंगे। निश्चित रूप से कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, और आज तक का दुनिया का इतिहास है कि आंदोलन भी व्यर्थ नहीं जाता है, और हम आशावादी लोग हैं। निश्चित रूप से कोई सकारात्मक कदम सरकार उठाएगी, इसीलिए कमेटी बैठाने का काम किया। हम लोग सरकार को सहयोग देने का भी काम करते हैं, जो पॉजिटिव काम होता है उसका सहयोग भी करते हैं, और कर्मचारी के विरुद्ध में जो जाता है उसके लिए आंदोलन भी करते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। जब से न्यू पेंशन लागू हुई है तब से अब इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। लोगों में नाराजगी है। पहले जो पेंशन स्कीम थी उससे वेतन से कोई भी कटौती नहीं होती थी, लेकिन अब जो नई पेंशन स्कीम आई है उससे कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती होती है, जिसके बाद पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। इसको लेकर आज पटना जंक्शन पे नई पेंशन नीति रद्द करके पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग को लेकर रेलवे के कर्मचारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम लोग का प्रदर्शन जो है, नई पेंशन योजना जो है कर्मचारियों के लिए जो है उसको समाप्त कर पुरानी गारंटीड पेंशन योजना जो है उसको लागू करने के लिए आज का आंदोलन है, और आज का ये मुख्य मांग है। क्योंकि हम लोग 12 जुलाई को हर साल प्रदर्शन करते हैं। 11 जुलाई 1960 को हड़ताल हुई थी, रेलवे में हड़ताल हुई थी, और उसमें दाहोद वर्कशॉप में हमारे 5 कर्मचारी मारे गए थे। उसके याद में हम लोग हर 12 जुलाई को साल में प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज का जो प्रदर्शन का मुख्य मांग है वो नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की। NPS जो है, न्यू पेंशन स्कीम, ये स्टाफ के लिए एकदम अच्छा नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम जो पुराना वाला है, वही बुढ़ापा का एक सहारा है, जो हम लोग सब कर्मचारी के लिए है, जो हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग को NPS चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। हम लोग को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, जो हमारी पुरानी पेंशन है, जो बुढ़ापा का सहारा होगी। कोई स्टाफ रिटायर करे तो उसको एक भगवान फिल्म की तरह, जैसे भगवान में अमिताभ बच्चन को चश्मा बनाने के लिए अपने बच्चों के से सहारा लेना पड़ता था, पैसा मांगना पड़ता था, वो हालत हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ नहीं हो। हम लोग को पुराना पेंशन दे दीजिए, जो हम लोग का बुढ़ापा का सहारा रह जाए। जो हम लोग इतना दिन अपना 60 साल रेल में जो काम करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने घर जाए रिटायर करके, तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। हमको सिर्फ पुराना पेंशन चाहिए। हम लोग न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करना चाहते हैं और पुराने पेंशन स्कीम को चालू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जैसा हो रहा, आने वाले कल में कैसा होगा हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग का रहना चाहिए ना कि हाँ चलिए, OPS हम लोग पुराने पेंशन स्कीम में होना चाहिए। हर जगह है। न्यू पेंशन स्कीम में आपको क्या क्या फायदा है, क्या नहीं, वो आप नहीं जानते। आने वाले कल में बूढ़े होंगे तो मेरा हक है ना, वो हक क्यों हमारा लेना चाहते हैं? हमारा हक वापस कर दें। ये न्यू पेंशन से ये खिलौना है, खिलौना कोई नहीं खेलेगा इससे, और ये हम लोग ओल्ड पेंशन लेके रहेंगे। ये हमारी जिंदगी का पूंजी है, ये ओल्ड पेंशन, और इस पूंजी को हम सरकार को मना के रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और सरकार को एक दिन झुकाना है, और झुका के रहेंगे, और जीत हमारी एक दिन होगी। हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लाना चाह रहे हैं। सरकार से यही दरख्वास्त है कि फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लाया जाए, क्योंकि NPS में हम लोग को वो सारे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जिसके हम लोग हकदार हैं। पूरे देश में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अभी तो प्रदर्शन नमूना है, इससे भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे, और आगे चक्का जाम भी हो सकता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि OPS को जल्द से जल्द लागू कर दे। आज हम लोग 4 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है इस पर। तो देखा आपने, ये लोग न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से 4 सालों से ये लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और सरकार से पुरानी स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।